कौन है आप? बेकार का प्रश्न है, ये पूछना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं यहाँ ये मणि लेने आई हूँ। नहीं, दे दीजिए मुझे मणि। भूल जाइए मणि, मणि आपको कभी नहीं मिल सकती। मैंने कहा मुझे मणि दे दो, मुझे मणि दे दो। हमें जाने दीजिए, मणि ही है जो हमारे पोते की जान बचा सकता है। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए, वरना हमारे पोते के साथ कुछ भी हो सकता है। हम उसे खोना नहीं चाहते। अमृता, ये आप क्या कर रही हैं? जहर आपके शरीर में चला जाएगा। अमृता, अपने आप को संभालिए। मणि की मदद लेनी होगी। मणि, आइए मणि, आइए मणि। हमारे अर्जुन की जान खतरे में है। अर्जुन की जान खतरे में है। उनकी रक्षा कीजिए। उनकी रक्षा कीजिए। क्या हो रहा है? मणि क्यों नहीं आ रही? कहीं मणि किसी दुश्मन के हाथ तो नहीं लग गई? हमें पता लगाना होगा। भलाई इसी में है, भलाई इसी में कि तुम मुझे ये मणि दे दो। हमें जाने दीजिए, मणि ही है जो हमारे पोते की जान बचा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह समय की गति अतीत में जाकर कोई कैसे रोक सकता है? कौन हो सकती है? जो भी, जो भी, हमें इसे रोकना है। यदि समय फिर से शुरू हो तो हमारी अर्जुन की मृत्यु हो सकती है और हमारे रुद्र का कासार फिर से जीवित। हमें इसे रोकना ही होगा। हमें सिर्फ मणि चाहिए। मणि दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, मणि तो तुम्हें देनी ही होगी। इस मणि के लिए मैंने और मेरे साथियों ने बहुत कष्ट उठाए हैं। अगर सीधी तरह से नहीं दोगी तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छीन लूंगी। नहीं। हटाओ, हटाओ, हटाओ,
कोशिश कर लो निकल नहीं पाओ। असीमित शक्तियां हैं मेरे पास जिनका तोड़ कोई नहीं जानता। हे साईनाथ, कैसे बचाए हम अपने पोते को? हम यहाँ कैद हैं, वहां अमृता हमारा इंतजार कर रही होगी, सोच रही होगी कि हम मणि लाकर उसका सुहाग बचा लेंगे। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी शक्ति हमारे कर्तव्य की शक्ति से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते। जारिका की जान खतरे में, हमें इसे बचाना होगा। हमें भी अतीत में जाना, हमें भी अतीत में जाना। कौन है ये लोग? हमारे घर में ये क्या हो रहा है? साईनाथ, साईनाथ क्या हो रहा है ये? को पूरा करने के लिए चाहे हमें कितने ही नागों या इंसानों को मारना पड़े, हम मारेंगे और मणि लेकर ही जाएंगे। मणि लेकर ही जाएंगे। मणि क्यों चाहते हो तुम? ताकि हमारी शक्तियां सबसे ज्यादा, ताकि हम जिस लोक से आए हैं उस लोक का राज पूरे ब्रह्मांड पर हो। तुम सभी हमारे गुलाम, सभी हमारे गुलाम और हमारी ताकत का लोहा मान। ये असंभव है। हम असंभव को संभव नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों से है। इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी, तीनों के हाथों मणि नहीं लगनी चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा।
मेरे रास्ते से। हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारे कामयाब नहीं बनते अर्जुन की मौत। पवित्र गंगा जल इन तीनों को रोकेगा। रुको, रुको। हे गंगे मैया, हमारी रक्षा कीजिए। ये पवित्र गंगा जल है और ये गंगा जल तुम जैसे दुष्टों को नष्ट कर देगा। जान बचा सकते। अब जाइए, जल्दी जाइए। बहुत घमंड है ना अपनी शक्तियों पर? आज हम तुम्हें बताएं, कि जब अच्छाई बुराई को नष्ट करने का सोचती है, तो क्या होता है? इससे पहले कि ये पवित्र गंगा जल का इस्तेमाल हमारे ऊपर करे, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। साईनाथ, आपकी कृपा से इन तीनों का सामना तो आज हमने कर लिया और मणि की सहायता से अर्जुन की जान भी बचा लेंगे। लेकिन हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि हमारे ये नए दुश्मन कौन है। अतीत में आकर ये मणि तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन मणि हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे और हमें इन्हें रोकना होगा। इन्हें इनके इरादों में हम कामयाब नहीं होने दे सकते। अग्नि को बचाने का रास्ता ढूंढना होगा पवन।
गुरुजी की दी हुई पुस्तक में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। क्या लिखा है इसमें? मणि प्राप्त करने के लिए कई इच्छाधारी नागों से युद्ध करना होगा। ऐसे में अगर कोई सांप काट ले तो उसके विष को या तो वही सांप या फिर कोई दूसरा इच्छाधारी नाग ही निकाल सकता है। तो हो गया हमारा काम। तो हो गया हमारा। हमारे पास भी एक इच्छाधारी नाग है। एक इच्छाधारी नाग। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। ए नागिन, ए नागिन। करना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर आजाद होना चाहती हो तो यही एक तरीका है तुम्हारे पास, क्योंकि जो हमारे काम का नहीं होता हम उसे खत्म कर देते हैं। तुम्हें मारकर हम कोई और इच्छाधारी नाग ढूंढ लेंगे। ये जो कह रहा है वो कर भी सकता है, ना चाहते हुए भी। इन दुष्टों की कैद से आजाद होने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? आजादी या मौत? या मौत? क्या फैसला है तुम्हारा? क्या फैसला है तुम्हारा? समझ में नहीं आता मर्जारिका, उस नागिन के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी सारी शक्तियां उसके आगे बेकार हो गई। जो भी हो, वो नागिन हमें मणि प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। कभी नहीं कर पाओगे। वो एक साधारण इच्छाधारी नागिन नहीं, अमृता है, नागराज की बेटी अमृता। उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया।